दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से भारत के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का आपके अपने यूट्यूब। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सभी जानते हैं कि एम्स एग्ज़ाम और जिन पर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो इस केस में नीट 2020 का जो फॉर्म 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है 31 दिसंबर के बीच में, तो इसमें हमें कितना पेमेंट करना होगा या यूँ कहें कि नीट 2020 का रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो 10+2 क्वालिफाई हैं या पेयरिंग में हैं और वो नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं तब वो नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसको उन एग्ज़ाम को देने के लिए उनको एक फॉर्म फिल करना है जो कि 2 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में चलेगा। तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें एक पेमेंट ऑप्शन आता है। तो पेमेंट के लिए दोस्तों ऐसे सभी बच्चे जो कि जनरल या ओबीसी हैं उनको यहाँ पर 1400 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, जबकि अगर कोई एससी है, एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप है तो वहाँ पर इसको 750 रुपये, जबकि ऐसे बच्चे जो ट्रांसजेंडर हैं तो उनको 750 रुपये नीट 2020 में रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में देना होगा, तभी उनका फॉर्म सबमिट होगा और उसके बाद वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट और देन उनको एमबीबीएस कॉलेजेस अलॉट कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब सीधी सी बात यही है कि नीट 2020 में रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 1400 रुपये है सभी जनरल और ओबीसी बच्चों के लिए, जबकि एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को 750 रुपये पेड करना होगा। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर कैसे हम इस अमाउंट को पेड करेंगे या पेमेंट का मोड क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें पेमेंट के लिए आपके पास सबसे बेहतर ऑप्शन होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। ये ऑनलाइन मोड होता है, इसको आराम से आप कहीं से भी पेड कर सकते हैं और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिया जाता है, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। दूसरा होता है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन भी आप ई चालान के द्वारा पेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपका ई चालान जिस अकाउंट से बनेगा तो पेमेंट उसी अकाउंट में जाएगा और थोड़ा सा ये टिपिकल प्रोसेस होता है, तो इसलिए आप सभी लोग ऑनलाइन प्रोसेस पे ट्रस्ट करें और इसी से पेमेंट कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।